हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी की तरह पसंद आए, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ की गज्जक या तिल की पट्टी, या आप इसको गुड़ की पट्टी भी कह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है, और जैसे कि मकर संक्रांति एकदम पास आ गया है तो लोग तिल के चीज़ खाते हैं और तिल का ही चीज़ चढ़ाते हैं भगवान को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ की गज्जक, जो बहुत ही आसान है और फटाफट से घर पे बन जाती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको हम बनाएंगे घर पे, और घर पे बन रही है तो बहुत बढ़िया भी बनेगी। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने बिठाई है कढ़ाई, जिसको मैंने गर्म कर लिया है, और यहाँ मैं ले रही हूँ एक कटोरी सफ़ेद तिल। तो इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, लगातार चलाते हुए, कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालना है। अगर आप तिल को ज़्यादा भून देंगे तो तिल जो है हमारा कड़वा हो जाएगा। तो इसको 3 से 4 मिनट ही हमें भूनना है लगातार चलाते हुए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए तिल हमारा भून गया है। अब मैं गैस बंद करूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखिए आपको पास से दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। पहले इस तरह से चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। तो तिल हमारा ठंडा हो गया है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ, इसको हम पीसेंगे। इसको हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा पीसना है इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, पास से दिखा रही हूँ आपको किस तरह से पीसना है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पीसा है मैंने। अब इसको हम साइड में रख देंगे ढक के। तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई बिठाई है और इसको गर्म कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। अगर आपने 200 ग्राम तेल लिया है तो आपको 150 ग्राम गुड़ लेना है, अगर 400 ग्राम तेल लिया है तो आपको 350 ग्राम गुड़ लेना है। तो उसी का आप पोर्शन वैसे ही मेज़र लेंगे और उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी लिया था तिल, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको कम रखा है गुड़ को। अगर आप कटोरी के मेजर से लेंगे तो आपको उसी तरीके से लेना है। तो गुड़ यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसको, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। छोड़ना नहीं है गुड़ को, नहीं तो हमारा जो गुड़ है चिपक जाएगा और जल जाएगा नीचे से। तो मैं देखती हूँ गुड़ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी में ठंडा पानी लिया है और देखते हैं। तो देखिए अभी गुड़ हुआ नहीं है, जैसा मैं चिभी चिपक रहा है, हमें क्रंची चाहिए एकदम। तो इसको मैं और पकाऊंगी, दोबारा चेक करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको और लो फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए क्रंची हो गया है और आराम से टूट रहा है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा गुड़ इस वक्त तैयार है, जो ये चाशनी है गुड़ की एकदम तैयार हो चुकी है। अब इस समय मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से क्या होगा, जो गुड़ का जो कलर है वो बढ़िया आ जाएगा और जो उसका टेक्सचर है वो भी बढ़िया होगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ इलायची के दाने, वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ में जो है वो अच्छी शाइनिंग आ जाएगी घी डालने से, देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो इसमें अब मैं जो पिसा हुआ तिल था वो डाल देंगे, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लो ही रखेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मैश करते हुए इस तरीके से मिक्स करना है हमें। बहुत जल्दी बन जाती है ये गज्जक, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसको बनाने में, फटाफट से आप इसको बना सकते हैं घर में, और बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी आपकी गज्जक। तो इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से मैश करते हुए हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक थाली ली है और उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सारा जो तिल है हमारा वो उसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी अलग थाली में कर सकते हैं, मैं एक ही थाली में इसको फैला दूंगी। पहले इस तरीके से इसको एक लोई का शेप दे देंगे और इस तरीके से दबा देंगे, और इसको बेलना है। थोड़ा सा आप बेलन पे भी घी लगा लें तो वो अच्छे से बेल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी बेलन रोल करने में। तो इस तरीके से इसको सही करते हुए हमें रोल करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको रोल करेंगे,
सेट करते जाएंगे हाथ से और रोल करते जाएंगे। गज्जक बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसी हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ रोल कर लेना है अच्छे से और सेट करते रहना है इसको। इसको गर्म में ही बेलना है, ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं बेलेगा, तो इसको गर्म में ही बेलना है। और बहुत आसानी से ये बेल जाता है, रोल हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको रोल करने में। तो इस तरीके से इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। गज्जक तो सभी लोग खाते हैं तो आपको पता होगा कि गज्जक की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो उसी हिसाब से रखेंगे। तो इसको हम कट लगा लेंगे अभी, क्योंकि बाद में एकदम जब ये सेट हो जाएगा तो कटेगा नहीं, तो इससे मैं कट के निशान लगा ले रही हूँ। बहुत जल्दी सेट हो जाता है, देखिए ये सेट होना शुरू भी हो चुका है। तो मैं इसको इसको लंबा रेक्टेंगल शेप में कट करूंगी। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए सेट हो गई है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से कितना क्रंची है, देखने से ही लग रहा है कि ये क्रंची बनी है और टूट रही है बढ़िया से। तो इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपकी गज्जक निकलने में थोड़ी सी दिक्कत करती है तो थाली को थोड़ा सा गैस ऑन करके और उस पर थोड़ा सा थाली को आप रख दें 1-2 मिनट के लिए, तो आपकी जो गज्जक है वो आराम से निकल जाएगी। और मैंने भी ऐसे ही किया है, तो देखिए आराम से मेरी गज्जक निकल गई है। मैंने भी इसको 2 मिनट, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको थाली गैस पे रख दी थी, तो ये आराम से देखिए आराम से निकल गई। और देखिए गज्जक हमारी एकदम बढ़िया बनी है, एकदम बढ़िया से बनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लिया है, जो पीसेस है मैंने इसको अच्छे से काट के यहाँ पर लगा लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गज्जक बनी है और देखने से ही लग रहा है कि एकदम क्रंची बनी है, एकदम बाजार जैसी बनी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।